आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लांबी में हुई रैली में शामिल हुए, जहां इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में केवल कांग्रेस ने लोगों को ठगने का काम किया है। कांग्रेस ने केवल लोगों से वादे किए हैं, उन वादों को पूरा नहीं किया, जबकि आम आदमी पार्टी ने जो वादे जनता से किए वो सभी वादे पूरे किए। और इसी के साथ ही कहा कि कांग्रेस केवल सीएम बदलने का काम करती है, विकास कामों पर ध्यान नहीं देती। दोस्तों, आजकल पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। पहले कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे। कैप्टन साहब ने पिछले चुनाव में खूब वादे किए, झूठे झूठे वादे किए, सबको नौकरी दूंगा, एक भी आदमी को 5 साल में नौकरी नहीं दी। उन्होंने कहा बुढ़ापा पेंशन बढ़ाऊंगा, बुढ़ापा पेंशन भी नहीं बढ़ाई। उन्होंने कहा कर्जे माफ करूंगा, एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। उन्होंने कहा स्मार्टफोन दूंगा, एक भी स्मार्टफोन नहीं दिया। जब कांग्रेस को लगने लगा कि कैप्टन साहब से तो हार जाएंगे, तो अभी 3 महीने पहले उन्होंने चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। अब चन्नी साहब ने नए नए ऐलान करने चालू किए हैं, रोज नए नए ऐलान करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है, इससे बड़ी भारत के इतिहास में नौटंकीबाज और ड्रामेबाज सरकार आज तक हमने नहीं देखी। आजकल चारों तरफ कह रहे हैं असली आम आदमी मैं हूं, असली आम आदमी मैं हूं, केजरीवाल आम आदमी नहीं है। कहते हैं मेरे को गिल्ली डंडा खेलना आता है, केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को कंचे खेलने आते हैं, केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को टेंट लगाना आता है, केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को गाय का दूध निकालना आता है, केजरीवाल को आता है क्या? मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मेरे को आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाने आते हैं। मेरे को कंचे खेलने नहीं आते, आपके परिवार का इलाज करने के लिए अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते हैं। मेरे को टेंट लगाना नहीं आता, आपकी बिजली फ्री करनी आती है, बिजली का बिल आपका जीरो करना आता है। मेरे को गाय का दूध निकालना नहीं आता, लेकिन मेरे को 24 घंटे बिजली देनी आती है आप लोगों को। अब पंजाब को तय करना है कि उनको गिल्ली डंडा खेलने वाली सरकार चाहिए कि अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने वाली सरकार चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी एक सर्कस बन गई है, सर्कस गए हो गए ना वैसी सर्कस बन गई है। सिद्धू साहब की चन्नी साहब से नहीं बनती, चन्नी साहब की जाखड़ साहब से नहीं बनती, जाखड़ साहब की प्रताप बाजवा से नहीं बनती, प्रताप बाजवा की फतेहचंद बाजवा से नहीं। सारे लड़ रहे हैं आपस में, कैबिनेट मीटिंग के अंदर इनके गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, मुक्के चलते हैं इनकी कैबिनेट मीटिंग के अंदर। कैसे चलेगी ऐसे सरकार, ऐसी पंजाब सरकार, ऐसी सरकार ऐसी पार्टी क्या कांग्रेस को भविष्य दे सकती है? नहीं दे सकती। ये कहते हैं महिलाओं को हजार रुपए देने का पैसा कहां से आएगा? मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। सारे पैसे का इंतजाम करके आया हूं, 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देने का। और मैंने कहा हमारी सरकार बनेगी, बिजली भी मुफ्त देंगे। दिल्ली में बिजली मुफ्त आ रही है, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और जीरो बिजली का बिल आता है, जीरो बिजली का बिल आता है। अगर आपके दोस्त यार रिश्तेदार हो तो फोन करके पूछ लेना, दिल्ली में बिजली का बिल जीरो आता है, एक पैसे का बिजली का बिल नहीं आता और 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में भी जीरो बिजली का बिल करेंगे, 2,000 करोड़ रुपए बिजली के बिल का खर्चा आएगा, 12,000 करोड़ का खर्चा है। पंजाब का बजट 1,70,000 करोड़ है, इसमें कितना भ्रष्टाचार होता होगा आपके हिसाब से? 50%, 40%, 60% कितना भ्रष्टाचार होता है? 150% मान लो 20% भ्रष्टाचार होता है, तो 34,000 करोड़ रुपया हर साल, 34,000 करोड़ रुपया ये नेता खा जाते हैं। इन नेताओं की जेब में जाता है, स्विस बैंकों में जाता है,
हमारी सरकार बनेगी, अब ये पैसा स्विस बैंक में नहीं जाएगा, अब ये पैसा नेताओं की जेब में नहीं जाएगा, अब ये पैसा मेरी माँ बहनों की जेब के अंदर जाया करेगा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कांग्रेस पर आपसी कला होने की बात करके कांग्रेस को नसीहत दी है। सुखबीर बादल ने कहा है कि जिस घर में झगड़ा होता है उस घर में बरकत नहीं होती। आपको बता दें कि सुखबीर बादल सुजानपुर सीट पर अकाली दल गठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, जहां इस दौरान उन्होंने शिरोमणि सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और साथ ही कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो सुखबीर बादल सुजानपुर सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिस घर में आपसे झगड़ा होता है उस घर में बरकत नहीं होती है और साथ ही शिरोमणि अकाली सरकार की उपलब्धियां भी सुखबीर सिंह बादल ने गिनवाई। पहली बार श्रोमणी अकाली दल लड़ रहे हैं, अपने सिंबल से रबदा है। बिट्टू प्रधान जी साढ़े इतों के उम्मीदवार है, तुम अज देख ही लिया हज़ारा की गिनती अज इतने लोग कट्ठे हुए है। जो मैं सुजानपुर बोलिया पहुंचे ए लगता जिमें सारा शहर ही बहर स्वागत करने वास्ते आया। जय जी रिस्पोंस मिली है, मैं सिर झुकदा अपने वर्कर टीम से, खास करके बिट्टू प्रधान जी ने बड़ी मेहनत की है, तो सारे लीडरशिप सारी है बहुत मेहनत कर रही है। मैं इन्ना कह सकता आ सुजानपुर सीट 100% श्रोमणी अकाली दल, तीन सरकार जो बाहर दिया सरकार, श्रोमणी अकाली दल उन्होंने कली पंजाब की पार्टी है। पंजाब की पार्टी नू तीन सरकार हमला करी बैठे है कि पंजाब विच पंजाबियों की पार्टी नहीं होनी चाहिए राज करने वास्ते, पर मैं पंजाबी डट के लगे है। जिमें वैसट बंगाल सेंटर की ताकत पूरी झोंक दी सी, ममता बैनर्जी ने भजा हरा दिता सारे, उवें पंजाब के बहादुर लोग सारिया ताकतों हराउणगे। पंजाब में विधानसभा चुनावों की शुरुआती तैयारी का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक टीम दो दिवसीय दौरे पर है। इस दौरे के दूसरे दिन टीम की अगुवाही कर रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जानकारी साझा की और इस दौरान उनके साथ में इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और अनूप चंद्रा पांडे भी मौजूद रहे। In assembly elections, voter turnout was 77.4%, and in 2019 general elections it dropped to 65.96%. I've always maintained that every voter, in fact, has two specific touch points with the election process: once at the time of registration, and second at the time of casting his vote. Our teams are ensuring that ease of voting should be our guiding factor. In our recently conducted special summary revision exercise, the final electoral roll, for which we will be published on 5th of January 2022, as and though date, we have enlisted 2,74,177 new voters in the state. I am happy to inform you that in the process, we have improved our gender ratio from previous 898 to 902, meaning more females have been registered as voters. पंजाब सरकार की ओर से जारी फेरबदल के आज 18 डीएसपी अधिकारियों के तबादले किए गए। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी 16 डीएसपी के तबादले हुए थे। पंजाब सरकार के राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए ये फेरबदल किए गए हैं। तो आपको बता दें कि पहले भी 16 डीएसपी अधिकारियों के फेरबदल किए जा चुके हैं, जिसके बाद आज एक बार फिर से 18 डीएसपी अधिकारियों के फेरबदल किए गए। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये फेरबदल लगातार किए जा रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर।
अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें